आप खुद देखिए कि जनाजे का जब वक्त आता है ना, तो इस वक्त पर लोग कई सारी ऐसी चीजें करते हैं जो कुरान से सही हदीसों से साबित नहीं है। क्यों क्यों करते हैं? क्योंकि जब किसी का इंतकाल होता है ना, तो दिल में नरमी आ जाती है, अमल का जज्बा आ जाता है, और जब अमल का जज्बा आता है और इल्म नहीं हो, तो इंसान ऐसे काम कर बैठेगा जिसकी दलील नहीं है, कुरान और हदीस में दलील नहीं है, जो साबित शुदा नहीं है। और कबूल तो वही होने वाला है जो साबित शुदा है, क्योंकि अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही बुखारी की हदीस है, जिल्द 3 हदीस नंबर 861, मन अहदथा फी अमरिना हादा मा लैसा मिन्हु फहुवा रद्द, जो इस दीन में ऐसी चीज लाएगा जो साबित हिस्से में से नहीं है, वो चीज रिजेक्ट हो जाएगी। तो हम ये देखते हैं कि जब अमल का जज्बा आता है लेकिन नॉलेज ना हो, तो एक इंसान गलत काम कर बैठता है। उसी तरह से देखिए, हज करने जाते हैं लोग, तो हज करने के टाइम पर पूरी आपको लिस्ट मिलेगी। हमारा एक कोर्स है, जिस तरह से ये कोर्स है, ऐसा जनाजे पे भी कोर्स है। तो जनाजे के कोर्स में हमने पूरी एंडिंग के अंदर लास्ट चैप्टर में तकरीबन 150 मिस्टेक्स की लिस्ट बनाई है जो लोग करते हैं, जस्ट इस वजह से क्योंकि अंदर इल्म नहीं है। अगर मालूम होता तो वो नहीं करते, लेकिन इस वजह से करते हैं क्योंकि उनके पास नॉलेज नहीं है। उसी तरह हज का हमारा एक कोर्स है, जो ये एक प्रोग्राम चल रहा है, ऐसा हज का भी एक प्रोग्राम है, उसके अंदर भी 150 के करीब मिस्टेक्स की लिस्ट है जो लोग हज करने जाते हैं। कहीं पर भी जाएंगे, मिट्टी उठाएंगे, जेब में डालने लगेंगे। यहां तक अभी देखा गया है कि लोग बिजली के खंबे चूमते हुए मिले, क्योंकि जज्बा आ गया, अभी करना चाहते हैं कुछ। अब कहीं पर भी जाएंगे, कुछ भी चूमेंगे, कुछ भी करेंगे, लेकिन उन्हें पता होता कि क्या सही है तो वो करते। सिर्फ नॉलेज का मसला है। उसी तरह से तिजारत की बात है, अगर आपका ताल्लुक लेन देन से है, किसी का ज्यादा होता है, किसी का कम होता है, किसी को दिन भर लेन देन करनी होती है, किसी को कभी कभी करनी होती है, अगर आपका ताल्लुक लेन देन से है, तो आप क्या कर रहे हो? हज करने जा रहे हो, हज के बारे में इल्म हासिल करो। जनाजे की बात है, जनाजे के बारे में मालूम होना चाहिए। उसी तरह से नमाज का वक्त आ गया, नमाज के बारे में मालूम होना चाहिए। हर वक्त अकीदे के बारे में मालूम होना चाहिए, और अगर लेन देन से ताल्लुक है तो लेन देन के बारे में मालूम होना चाहिए। हम देखते हैं उमर रदियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, उन्होंने कहा, ला यबी फी सूकिना इल्ला मन कद तफक्कहा फिद्दीन, हमारी बाजारों में कोई तिजारत नहीं करेगा सिवाय वो लोग जिनके पास दीन का इल्म है। तुम्हारे पास दीन की नॉलेज है तो हमारी बाजारों में तुम तिजारत कर सकते, नहीं तो तुम क्वालिफाइड नहीं हो। उन्होंने ये रिस्ट्रिक्शन रखा था, ऐसा नहीं कि कोई भी आओ, कोई भी कुछ भी करो, ऐसा नहीं रखा था। हम देखते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम पर अब्दुल्लाह इब्ने उमर की हदीस है कि अगर कोई शख्स बाजार में जहां से खरीदता वहीं पर बेच देता अपनी जगह पर ले जाए बगैर, पोजेशन लिए बगैर, तो उसे सजा दी जाती, उसको मारने की सजा दी जाती थी कि तुमने एक अनलॉफुल चीज की है। आज हम देखते हैं कि कितने सारे दुनिया में इसके नुकसान आए हैं। ये रूल जब हम स्टडी करेंगे तो एक रूल है कि पोजेशन लिए बगैर मत बेचो, और इसकी वजह से दुनिया में कितने सारे नुकसान दुनिया को फेस करने पड़े डेरिवेटिव्स की वजह से। डेरिवेटिव्स में यही रूल अप्लाई होता है, तो हम वो देखने वाले हैं तफसीलन इंशाल्लाह। तो यहां पर हम ये देख रहे हैं कि नॉलेज हासिल करना कंपलसरी है। अब आज एक जमाना ऐसा चल रहा है जिसके अंदर आमतौर पर मुसलमान दीनी इल्म से बहुत दूर है, तो कोई बहुत दूर की बात नहीं है कि तिजारत के उसूल भी नहीं पता हो। तिजारत के उसूलों के ताल्लुक से मालूम पड़ना चाहिए, ये भी लोगों को नहीं मालूम है। देखिए, एक होता है सिंपल जाहिल, एक होता है कंपाउंड जाहिल। सिंपल जाहिल कौन है? जिसे नहीं मालूम है लेकिन उसे ये मालूम है कि उसे नहीं मालूम है। कंपाउंड जाहिल वो है जिसे नहीं मालूम है, उसे ये भी नहीं मालूम है कि उसे नहीं मालूम है। तो तिजारत के मैटर में हम देखते हैं कि बहुत ज्यादा कंपाउंड जहालत मिलती है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्हें नहीं मालूम होता है, उन्हें यह भी नहीं मालूम होता है कि उनको नहीं मालूम है। एक होता है ये तो मालूम पड़ेगा नहीं मालूम है, लेकिन अगर ये भी मालूम नहीं है कि नहीं मालूम है, तो कभी भी वो मालूमात हासिल करने की आदमी कोशिश करेगा ही नहीं। तो यही मसला है आज। तो तिजारत के ताल्लुक से ये कुछ इंपॉर्टेंस थी। और मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, हकीकत ये है, हम इंशाल्लाह इस कोर्स के अंदर तिजारत के इस्लामी उसूल देखेंगे, प्रिंसिपल्स, एक एक प्रिंसिपल को हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे, सूद को हम बहुत डिटेल में स्टडी करेंगे इंशाल्लाह। उसके बाद हमारा एक बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर होगा हलाल अल्टरनेटिव्स का। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं, अरे ये भी हराम है, ये भी हराम है, ये भी हराम है, कुछ हलाल है या नहीं है? तो हलाल तो बहुत कुछ है, हलाल की तो लिमिट ही नहीं। हकीकत ये है, सब कुछ हलाल है। क्या मतलब? हराम लिमिटेड है। देखिए, ये फर्क है। नमाज में अगर कोई कहे कि मैं कैसे भी नमाज पढ़ूंगा, मैं सर पे हाथ बांध के नमाज पढ़ूंगा, तो नहीं चलेगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, सही बुखारी की हदीस है, मन अहदथा फी अमरिना हादा मा लैसा मिन्हु फहुवा रद्द, जो इस दीन में ऐसी चीज लाएगा जो साबित हिस्से में से नहीं है, वो रिजेक्ट हो जाएगी। तो यहां पर क्या मामला है कि रिलीजन के अंदर ऐसा नहीं चलेगा कि दीन में कैसे भी कुछ भी करो चलेगा। जैसे गाड़ी है, आप गाड़ी लेकर फुल स्पीड में दौड़ाओ, मंजिल तक ही पहुंचोगे। कोई भी ट्रेन पकड़ो, मंजिल तक ही पहुंचने वाले हो, ऐसा तो नहीं है ना। अगर किसी को यहां से चर्चगेट जाना है, किसी को यहां से वीटी जाना है, और कल्याण की ट्रेन पकड़ ले,
तो चाहे कितना भी उसका इंटेंशन है कि वीटी जाना है, अगर कल्याण की ट्रेन पकड़ा हुआ है तो कल्याण ही पहुंचने वाला है, वीटी तो पहुंचने वाला ही नहीं है। सिर्फ नियत होना काफी थोड़ी है, डायरेक्शन भी तो मालूम होना चाहिए, सही ट्रेन भी तो पकड़ना जरूरी है। तो यहाँ पर हमारे सामने एक बहुत अहम बात आज ये है कि लोग इस ताल्लुक से नॉलेज नहीं हासिल करते हैं और उनका सिर्फ सही इंटेंशन काफी नहीं है। तो तिजारत के मामले में आज मसला ये है कि सही बात पता हो तो अमल करेंगे ना, पता ही नहीं है तो कहां से अमल करेंगे। तो हम कम से कम मालूमात हासिल करें, और जब मालूमात हासिल करते हैं तो जज्बा भी पैदा होता है। एक चीज मालूम पड़े ना तो सही ट्रुथ के अंदर खूबी ये होती है, जब सच्चाई पता चलती है तो उससे दिल में कुछ हिलता भी है, दिल में एक जज्बा भी पैदा होता है कि एक इंसान सही चीज करे, अच्छी चीज करे। और वही चीज को हम चाहते हैं कि हम सब एक इस्लामिक फिनेंस और इस्लामिक इकॉनमी को रिवाइव करने की कोशिश करें, जिससे सिर्फ हमें ही नहीं पूरे दुनिया के लोगों को बेनिफिट्स होंगे। आज दुनिया के लोग परेशान हैं, आज दुनिया के लोग चाह रहे हैं कि कुछ हलाल अल्टरनेटिव हमें बताओ, और हलाल अल्टरनेटिव है लेकिन उसे गौर से स्टडी करने की जरूरत है, उसको सामने पोटेंशियल तौर पर प्रेजेंट करने की जरूरत है। तो ये एक अहम कोशिश है हम सब की, और हम सब इसी वजह से ये टॉपिक को देख रहे हैं। मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ये पूरे टॉपिक के अंदर बहुत अहम बात यह है कि सब कुछ जानने वाला हमारा रब है, उसे कोई खबर मिलती नहीं, उसके पास पहले से सब खबरें हैं। अल खबीर, अल खबीर उसके नामों में से एक नाम है जो सब चीजों की खबर उसके पास है। हमारा क्या होता है कि अच्छा ये हो गया, फला शेयर मार्केट में ऐसा हो गया, फला स्टॉक मार्केट क्रैश हो गई, फला रिसेशन आ गया, फला दिल्ली में ये केस हो गया, तो हमारे डिसीजन चेंज होते जाते हैं। लेकिन अल खबीर जो है, जिसके पास सब चीजों की खबरें हैं, उसको पहले से पता है कि क्या क्या होने वाला है। तो वो जो भी बता रहा है, वो सब कुछ जानते हुए सारी दुनिया की इकोनॉमिकल सिचुएशन, दुनिया भर की कयामत तक की सिचुएशन जिसे पता है वो बता रहा है कि क्या हमारे लिए अच्छा है, क्या हमारे लिए बुरा है। तो हम उसके ऊपर डिपेंड होते हुए इस मौजू के तरफ हम आगे बढ़ते हैं, और ये एक इंट्रोडक्टरी एक सेशन था। यहाँ तक अगर किसी भाई या बहन को सवाल पूछना है तो आप सवाल पूछ सकते हैं, ब्रदर्स डायरेक्टली पूछ सकते हैं, बहनें लिख कर भेज सकती हैं। जैसे ही आपने कहा कि जो भी मतलब गुड्स सेम प्लेस से, जैसे कि कहा कि सेम प्लेस पे कोई तिजारत करे और उसको सेम प्लेस पे बेचा है, तो वो सही है गलत है? मतलब जी, जहाँ से खरीदे वहाँ के वहाँ बेचने के मुतालिक भाई का सवाल है। हम तिजारत के लेन देन के 6 उसूल इंशाल्लाह स्टार्ट करने वाले हैं अभी थोड़ी देर में। उसके अंदर जो इंशाल्लाह हमारा 6ठा उसूल है, उसमें ये बात कवर होने वाली है बिलतफसील, डिटेल में। तो मैं उसे अभी कवर ना करके उस वक्त के लिए छोड़ देता हूँ इंशाल्लाह। हाँ, अगर मुझे अगर कोई चीज़ बेचना है तो ज़रूरी है कि मुझे बेचने वाले को बताना है कि मैं कितने में वो चीज़ मैंने खरीदी और आपको मैं इतनी चीज़ बेचना उतने में? जी ज़रूरी है। भाई का बहुत अच्छा सवाल है कि कितने में खरीदे हैं वो बताना ज़रूरी है क्या? लोग बोलते हैं सच बोल के बिज़नेस करना चाहिए। तो सच बोल के बिज़नेस करने में मान लो कि कोई इंसान ने 10 रुपये में ख़रीदा, 20 रुपये में बेच रहा है, तो क्या उसको ये बताना ज़रूरी है कि मैंने कितने में ख़रीदा? आप सब क्या कहेंगे? हाँ, सच नहीं बोलना चाहिए, सच बोल के बेचना चाहिए, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हमने कितना में ख़रीदा, कोई ज़रूरी नहीं है कि उसको कोट करें। जी, तो हम ये देखते हैं कि यहाँ पर क्या होता है मामला, कितना कॉस्ट प्राइस है वो बताना लाजिम नहीं है। जाहिर सी बात है कि किसी को पता चलेगा कि आपने 10 में ख़रीदा है तो बोले मैं 20 क्यों दूँ, आपको लेना है तो 11 लो, 12 लो। और जो लोग इसमें कॉमन डायलॉग है वो कहते हैं कि ये तो मेरी मुद्दल भी नहीं है, और ये तो हम सब जानते हैं कि ये बात एक कॉमन बात है जो शायद क्लियर कट झूठ है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि लोग जब बार्गेन करते हैं बोलते हैं ये तो मेरी मुद्दल भी नहीं है, और फिर उस मुद्दल भी नहीं थी उससे भी कम में बेच देते हैं, तो पता चला कि यानी कि वो मुद्दल नहीं थी और उससे कम कहीं मुद्दल थी। तो ये मुद्दल वगैरह के सब्जेक्ट बताना सही नहीं है। हाँ, एक सवाल है कि प्रॉफिट कितना लेना जायज़ है, नफ़ा। लोग बोलते हैं ना बहुत ज़्यादा नफ़ा, ये तो हराम है। ये जो चीज़ हराम है उसको तो हराम नहीं बोलते हैं, और जो चीज़ के ताल्लुक से हम देखें कि शरीयत ने क्या रूल बताया, तो प्रॉफिट कितना लेना जायज़ है हम पहला कायदा देखेंगे। उसके अंदर जब डिस्कशन होगा तब हम ये डिस्कशन देखने वाले हैं कि कितना नफ़ा लेना जायज़ है इंशाल्लाह। जो हम 6 रूल्स देखेंगे अभी शुरुआत में, उसके अंदर जो पहला रूल है उसके डिस्कशन में आने वाला है रजामंदी के मुतालिक इंशाल्लाह। अब तक जो बातें हुई इसके मुतालिक, किसी और भाई को कोई सवाल पूछना है? ठीक है, कोई सवाल नहीं है तो हम अगले सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं आगे। हम इंशाल्लाह आज के इस प्रोग्राम में तिजारत के 6 अहम उसूलों के मुतालिक देखने वाले हैं, एक इंट्रोडक्शन। और पहला उसूल जो रजामंदी है, वो पहले कायदे को हम इंशाल्लाह तफसीलन बिलतफसील डिटेल्स के साथ इंशाल्लाह देखेंगे। सबसे पहले ये देखते हैं कि जब इस्लाम ने तिजारत के उसूल बताए तो एक
ग्रास रूट लेवल का बिल्कुल बुनियादी एक रूल देख लेते हैं। एक रूल इस पूरे डिस्कशन के अंदर अगर आप याद रखेंगे इंशाल्लाह, तो बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी, बहुत सारे सवालों का जवाब इस आयत में मौजूद होता है। ये आयत है सूरह बकरा की आयत नंबर 275, जो एक कायदा यानी कि एक रूल के लेवल, फार्मूला लेवल की एक बात कहती है। अल्लाह सुब्हानहु तआला ने कहा वहल्लल्लाहुल बैआ वहर्रमर रिबा, मैंने तिजारत को हलाल किया है और सूद को हराम किया है। यहां पर हमें पता चला जब अल्लाह ताला ने ये कह दिया वहल्लल्लाहुल बैआ कि मैंने तिजारत को हलाल किया है, इससे पता ये चला कि तिजारत के अंदर कायदा ये है कि सब कुछ हलाल है। जो नमाज के अंदर कायदा है कि कुछ भी कैसे भी नमाज पढ़ सकते हैं, ऐसा नहीं है। तिजारत में रूल ये है जैसे दुनियावी चीज़ों में कायदा है कि दुनियावी मामलात में कायदा क्या है, सब कुछ हलाल है। कुरान की सूरह बकरा की आयत नंबर 29 है जहाँ अल्लाह सुब्हानहु तआला ने फरमाया कि अल्लाहुल्लज़ी खलक लकुम मा फिल अर्दी जमीअ, अल्लाह ही तो है जिसने तुम्हारे लिए बनाया जो कुछ ज़मीन पर है। जो कुछ ज़मीन पर है अल्लाह सुब्हानहु तआला ने हमारे लिए तो बनाया है। अब जैसे मिसाल के तौर पर किसी भाई ने डेनिम पहना हुआ है, किसी ने लिनिन का कुछ पहना है, किसी ने पॉलिएस्टर पहना है, कौन सी हदीस में दिया है डेनिम पहन सकते हैं या लिनिन पहन सकते हैं, कहाँ पे दिया है ये? तो ये कुरान की सूरह बकरा की आयत नंबर 29 जो है जहाँ पर ये आया है कि अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए बनाया जो कुछ ज़मीन पर है। अब ज़मीन पर डेनिम भी है, लिनिन भी है, ज़मीन पर जो कुछ है सब कुछ हलाल है। अब ज़मीन पर शराब भी तो है, तो इसीलिए अल्लाह ताला ने बता दिया शराब हराम है। मतलब ज़मीन के ताल्लुक से जो कुछ मिलेगा सब कुछ हलाल है। अब कोई कहे पिज्ज़ा खा सकते हैं, कौन सी हदीस में दिया है, शावरमा खा सकते हैं, कौन सी हदीस में दिया है, ज़मीन पे है ना जो कुछ है सब हलाल है। जो हराम में दिया हुआ है शराब मत पीना, खिंजीर का गोश्त मत खाना, जो लिमिटेड लिस्ट है। जैसे लोग क्या कहते हैं, लोग कहते हैं कि अरे ये भी हराम है, वो भी हराम है, वो भी हराम है, सब कुछ हराम ही है क्या? ऐसा नहीं है, हकीकत यह है सब कुछ हलाल है, हराम की लिस्ट लिमिटेड है। उसी तरह कारोबार में, बिजनेस में हलाल की लिस्ट अनलिमिटेड है। बिजनेस के अंदर मिसाल के तौर पर आज इंटरनेट पर बिजनेस हो रहा है, आज हम देखते हैं फ़ोन पर बिजनेस होता है, आज हम देखते हैं डोर टू डोर मार्केटिंग से बिजनेस होता है, या फिर मॉल्स में दुकानें खुलती है। तो हम देखते हैं कि ये कौन सी हदीस में दिया है कि इंटरनेट पर बिजनेस कर सकते हैं। तो कुरान की जो इस आयत में आया वह हल्लल्लाहुल बैआ, अल्लाह ने तिजारत को हलाल कर दिया है, इसमें हमें रूल मिलता है कि तिजारत की सारी के सारी शक्लें हलाल है, सिर्फ जो हराम है वो दिया हुआ है वही हराम है, बाकी सब हलाल है। मतलब कोई कहे मिसाल के तौर पर कि ऐसे टाइप का बिजनेस कर सकते हैं, ये कहाँ दिया है, तो हम कहते हैं कहाँ दिया है नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर नहीं कर सकते ये नहीं दिया है तो सब कुछ जायज़ ही है। अच्छा, इस सवाल के जवाब में बहुत सारे लोग ये कहते हैं, और ये सवाल मैं आपके लिए दे रहा हूँ, लोग कहते हैं कि देखो हम लोगों को तो ये लग रहा है कि ये भी हराम है, ये भी हराम है, ये भी हराम है, सब कुछ हराम ही दिखता है हमें। तो लोगों का ये कहना है कि सब कुछ हराम दिख रहा है, आप ये कह रहे हैं कि सब कुछ हलाल है, सिर्फ महदूद लिस्ट हराम की है, लेकिन वो कहते हैं कि देखो हम लोगों को तो ये दिख रहा है सब कुछ हराम है। इस सवाल का कौन जवाब देगा? सवाल आप समझ रहे हैं, सवाल क्या है? हमने बताया कुरान की आयत जिसमें आता है कि सब कुछ हलाल है, इसके जवाब में लोग बोलते हैं नहीं सब कुछ हराम है, सब कुछ हराम ही तो दिख रहा है, सूद भी हराम, इंश्योरेंस भी हराम, ये भी हराम, ये भी हराम, ये भी हराम, तो सब कुछ हराम ही तो दिख रहा है। अब इसका जवाब कौन बताएगा? अस्सलाम वालेकुम। इसका जवाब ये है कि वी हैव टू चेक, हमें चेक करना है जो महदूद लिस्ट है वो हमें चेक करना है, जो अल्लाह की जो महदूद हराम लिस्ट है वो चेक करना है, बस वो जांचना है, अगर वो उसमें से मिलती है तो वो हराम है, अगर नहीं मिलती तो ये हलाल है। सही, जो वो लिस्ट है महदूद लिस्ट है वो लिमिटेड लिस्ट है, और वो लिमिटेड लिस्ट हराम की है। अब इनका कहना है कि हम लोगों को तो सब कुछ हराम ही दिख रहा है, तो हकीकत ये है इन्हें क्यों हराम दिख रहा है आपको पता है? हराम महदूद है, लिमिटेड है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी पूरी ज़िंदगियां वो लिमिटेड हराम के अंदर ही घूमती है, उनकी सुबह से शाम हराम से शुरुआत होती है, हराम से ख़त्म होती है। तो अब यहाँ पर उन्हें ऐसा ही लगेगा ना कि सब कुछ हराम है, तो हम उनसे कहते हैं कि ज़रा बाहर निकल के तो देखो, देखो कितनी बड़ी है दुनिया, देखो कितने सारी जायज़ चीज़ें हैं। और मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, मैं आपके सामने इस कोर्स के अंदर इंशाल्लाह कई प्रॉब्लम्स रखने वाला हूँ, ऐसे प्रॉब्लम्स जिसके अंदर लोग बोलते हैं कि देखो इसमें तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, हराम ही करना पड़ेगा। और आपके सामने ये रखकर बताना चाहूँगा कि आप लोग पार्टिसिपेट कर जो रूल्स हम सीख रहे हैं उसके तहत आप बताएं कि हलाल ऑप्शन क्या है, क्योंकि हम वो थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स करना जब सीखें तो हम ये देखेंगे कि हलाल कितना कुछ है, हराम है जो लिमिटेड है। तो ये बात एक अहम बात है, इसका एक बिल्कुल बुनियादी कायदा।
दूसरी बात हम ये देखते हैं कि सारे जो रूल्स हैं इसके अंदर मकसद क्या है। देखिए, इस्लाम जुल्म के ख़िलाफ़ है, नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ है। कुरान की आयत है सूरह निसा की सूरह 4 आयत नंबर 40, जहाँ अल्लाह सुबहान तआला ने कहा कि इन्नल्लाहा ला यज़लिमु मिथक़ाला ज़र्रा, अल्लाह ज़र्रा बराबर भी नाइंसाफ़ी नहीं करता, अल्लाह ताला खुद भी नाइंसाफ़ी नहीं करता, ना पसंद करता है कि कोई भी इंसान नाइंसाफ़ी करे। और ये अल्लाह ताला के ताल्लुक़ से बुनियादी बात। सही मुस्लिम की हदीस है जहाँ आता है कि एक शख्स क़यामत के दिन पहाड़ के जैसी नेकियाँ लेकर आएगा, लेकिन उसने किसी को गाली दी होगी, किसी को बुरा कहा होगा, किसी का माल लिया होगा, किसी के साथ चीटिंग की होगी। अब क़यामत के दिन वो आएगा, पहाड़ जैसी नेकियाँ करके आया है लेकिन बहुत सारे लोगों के हुकूक लेकर आया है। क़यामत का दिन इंसाफ का दिन है, इंसाफ के दिन में सब लोग आएंगे और अपना हक मांगेंगे, और जब वो अपना हक मांगेंगे, जब वो चाहेंगे कि उन्हें अपना हक मिले, तो हम ये देखते हैं कि उस वक्त पर कोई आ रहा है कि इसने मेरे फलां पैसे लिए थे, अब लौटाओ, पैसे तो है नहीं, पैसे तो नहीं है, कहाँ से लौटाएगा। अब वो वक्त की करेंसी जो है, जिसकी सबको ज़रूरत होगी, वो होगा सवाब और नेकियां। अब उसका पेमेंट नेकियों में से किया जाएगा। फाइनली करते 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 हाल इस तरह से हो जाएगा कि उसकी सारी नेकियां ख़त्म हो जाएगी, फिर भी लोग आ रहे हैं, अब उनके किए हुए गुनाह लेकर इसके ऊपर लाद दिए जाएंगे और आखिर में शख्स जहन्नम जाने वाला है। मतलब कि जुल्म का रिकॉम्पेंसेशन होने वाला है, जुल्म का बदला मिलने वाला है। एक इंसान जिसने गलत किया वो गलत की भरपाई करेगा। तो इस्लाम ने यही बात सिखाई है। इसी वजह से मेरे भाइयों, तिजारत के आप जितने इस्लामी उसूल देखेंगे और अगर उस पर गौर करेंगे, आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि किस तरह से इस्लाम ने जुल्म होने से रोका है, नाइंसाफ़ी होने से रोकी है, और ये बहुत बुनियादी बात है। और एक चीज़ है जो एक हिकमत है, विजडम है, जो इस्लाम के, जो तिजारत के इस्लामी उसूल है उसके अंदर एक विजडम ये है कि कई बार ऐसा होता है कि माल के मामले को लेकर लोगों की रिश्तेदारियाँ ख़राब हो जाती हैं, लोगों की डीलिंग्स में उनके साथ एक दूसरे के साथ मामलात ख़राब हो जाते हैं, एक दूसरे के साथ रिश्ते ख़राब हो जाते हैं पैसे की वजह से। अब ये पैसे के अंदर जब जुल्म होगा, एक शख्स दूसरे पर जुल्म करेगा, तो जाहिर सी बात है उसके अंदर भाईचारगी ख़राब होगी। तो हम देखते हैं कि इस्लाम के अंदर कई सारे ऐसे कायदे हैं, कैसे कई कवानीन हैं, जिसके अंदर हम ये देखते हैं कि कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं जिससे कि भाईचारगी ख़राब ना हो। जैसे मिसाल के तौर पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, सही बुखारी की हदीस है, कि एक मुस्लिम अपने भाई की बोली के ऊपर बोली नहीं लगाएगा। मतलब यहाँ पर ऑक्शन की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे बात ये हो रही है कि जैसे एक मुस्लिम है, कहीं पर कोई चीज़ ले रहा है कि ये प्रोडक्ट है, मैं इसके 50 रुपये दूंगा। अब वो उसने कहा है डीलर को, ख़रीद रहा है, डीलर कह रहा है नहीं नहीं मुझे 60 रुपये चाहिए, तो कह रहा नहीं ठीक है 52 ले लो, वो कह रहा है नहीं चलो 58 कर दिया तुम्हारे लिए। एक दूसरा मुस्लिम आता है, कहता है ऐसा करो मुझे दे दो 58 में। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा तुम्हारे भाई की तिजारत के ऊपर तुम नहीं करोगे। उसी तरह से अगर तुम्हारे भाई ने कहीं पर पैगाम भेजा है, किसी के लिए पैगाम भेजा है कि मैं फलां लड़की के लिए पैगाम भेज रहा हूँ कि मैं उसके साथ निकाह करना चाहता हूँ, और आपको पता चला कि उसका पैगाम गया है, तो आप जाके कहे ऐसा करो नहीं मुझसे शादी कराओ, मैं भी पैगाम भेजता हूँ। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अपने भाई के पैगाम के ऊपर अपना पैगाम मत भेजो, अपने भाई की बोली के ऊपर अपनी बोली मत लगाओ। उसका यस नो हो जाए कि डीलर ने कहा नहीं 58 से कम मैं नहीं बेचूंगा, वो कह रहा नहीं 52 से ज़्यादा मैं नहीं दूंगा, ओके ठीक है डील हो गया ख़त्म, अब वो हट गया, अब आप जाके कह सकते हैं कि हाँ मुझे दे दो 58 में, उसका डील खत्म हो गया, उसकी बोली के ऊपर हमारी बोली नहीं थी। तो ये कायदा क्या चीज़ के लिए है, ताकि भाईचारगी खराब ना हो, वो ब्रदरहुड खराब ना हो। तो हम देखते हैं कि ये दो हिकमतें दिखती है बहुत सारे कवानीन में, कि एक तो जुल्म को एक शख्स दूसरे पे ना करे, और दूसरा कि ब्रदरहुड की जो फीलिंग्स है वो फीलिंग्स डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। तो हम देखते हैं कि ये एक चीज़ है जो इस्लाम ने सिखाई है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा मैं आपको एक मिसाल बताता हूँ। एक मिसाल ये है कि एक बार ऐसा हुआ कि ऑटो रिक्शा के लिए बहुत सारे लोग भाग रहे थे। आजकल यही हाल हो गया ना, ऑटो रिक्शा इजीली मिलती नहीं है। अब ऑटो रिक्शा रुकी और तीन लोग साथ में पहुंच रहे, एक आदमी कह रहा है कि मुझे वहां चलना है। अब ऑटो रिक्शा वाले ने जवाब नहीं दिया हाँ या ना, और दूसरा कहता है वहां चलोगे, तो ये क्या हो गया, ये बोली पर बोली लगाना हो गया। क्योंकि वहां पर यह है कि उसने डिसीजन नहीं लिया है, हाँ वो डिसीजन ले लेता कि नहीं आ रहा हूं मैं, तो दूसरा कहता है ठीक है मेरे डेस्टिनेशन पर आओगे। तो ये ऐसे प्रिंसिपल्स होते हैं जो हम देखते हैं कई तरह से अप्लाई होते हैं आज की हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी पर। अगर हम उन चीज़ों को समझ करके माइंड में स्टोर करके रेडी रखेंगे इंशाल्लाह, तो ज़िंदगी में ऐसे कई मौके मिलते हैं जिसके अंदर अप्लाई कर रहे हैं हम अपनी सिचुएशन पर। चलिए हम ये इंट्रोडक्शन देखने के बाद आज हम इस्लाम के लेन देन
تجارت کے اندر خاص طور سے جو لین دین ہے، ایک ڈیل ہے، ایک بزنس ڈیل ہے، وہ ڈیل کے اندر صحیح ہونے کے لیے کیا شرائط ہے، وہ شرائط میں سے ہم پہلی شرط دیکھنے والے ہیں. اب کوئی شخص ہے جو کہے کہ دیکھو میں تو بہت زیادہ لین دین میں نہیں ہوں. تو کوئی شخص ہوتا ہے جو بہت زیادہ لین دین کرتے ہیں، جن کا کام ہوتا ہے صبح سے شام تک لین دین چلتی ہے. لیکن نارمل لین دین تو ہر کوئی کچھ نہ کچھ کرتا ہی ہے. اب یہاں پر بات یہ ہے کہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ کیا کیا شرائط ہے وہ لین دین صحیح ہونے کے لیے، کیونکہ تھوڑی بہت لین دین تو ہر کوئی کرتا ہے. ہاں اگر ہم میں کوئی ایسا ہے جو کہتا ہے کہ میں نے آج تک کوئی چیز نہ خریدی نہ بیچی، نہ زندگی میں آگے خریدنے والا ہوں نہ بیچنے والا ہوں، تو یہ جو سیکشن ہے اس کے لیے بہت کام کی چیز نہیں بول رہا ہوں. لیکن اگر آپ اور میں اگر ہم نارملی لین دین کچھ نہ کچھ کم یا زیادہ کرتے ہیں، تو ہمیں اس کے رولز تو معلوم ہونے چاہیے نا کہ کیا کیا رولز ہیں. اب دیکھیے کہ وہ رولز پتہ ہونے کے بعد ایک انسان غلط چیز سے بچ سکتا ہے. کئی بار ایک انسان غلط چیز اس لیے کرتا ہے کیونکہ اس کو معلوم ہی نہیں کہ غلط ہے. تو معلوم پڑ جائے تو یہ تو فرسٹ اسٹیپ ہے. تو آئیے ہم یہ چھ کنڈیشنز دیکھیں گے. یہ چھ کنڈیشنز ہیں، شرائط ہے کہ اگر کوئی لین دین صحیح ہے تو اس کے اندر یہ چھ کے چھ کنڈیشنز پر ٹک لگنا چاہیے، پاس ہونی چاہیے. اور اگر یہ چھ میں سے کسی بھی شرط پر اگر کراس لگ جاتا ہے، یعنی کہ صحیح نہیں ہے، اس میں پاس نہیں ہے، تو وہ مال غلط طریقے سے آ گیا. مثال کے طور پر آپ دکان میں گئے، آپ جا کر ایک پروڈکٹ خرید رہے ہیں، بول رہے ہیں مجھے 50 روپیز میں دو. اس نے کہا ٹھیک ہے 50 روپیز میں ڈن، آپ یہ کپ لے لو اور یہ لو 50 روپے آپ نے دے دیے. اب یہ جو کپ آپ کے پاس آیا، یہ جو لین دین ہو گئی، اس کے اندر یہ جو آیا جائز طریقے سے آیا یا ناجائز طریقے سے آیا، اور اس کے پاس جو 50 روپیز گئے وہ حلال گئے یا حرام گئے، جائز آیا یا ناجائز آیا، یہ چھ شرطیں پاس ہوگی تو وہ اس کے 50 روپے جائز ہوگے تو آپ کا یہ کپ حلال ہوگا. مطلب نہیں تو یہ چیز غلط طریقے سے حاصل کر کے آئے اگر وہ شرائط پوری نہیں ہو رہی ہے. تو